अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पनीर पकौड़ा बनाएंगे। चलिए हम इसे बनाना शुरू करेंगे। हमने पनीर के पीसेस को कट कर लिया है। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, काली मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हमने इंग्रेडिएंट्स डाल लिया है। अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक छोटा सा बाउल लेंगे, इसमें हमें पहले कॉर्नफ्लोर डालना है, फिर हम मैदा डाल लेंगे। अब हम इसमें ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेंगे। इसे आप स्पून से मिक्स कर लीजिए पाउडर को। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका थिक बैटर बनाएंगे। पनीर को हमें इसमें डिप कर कर तलना है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा थिक ही रखेंगे। देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। एक प्लेट में हम ब्रेड क्रम्स भी ले लेंगे। ब्रेड क्रम्स हमने रख लिया है। अब हम एक एक पनीर के पीसेस को लेकर इसमें बैटर में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। और हमने पैन में तेल गरम कर लिया है। इसे एक एक कर कर हम फ्राई करेंगे। ऐसे ही डिप करके तलना है आपको सब पीसेस को। देखिए हमने पैन में पनीर डाल लिया है, पनीर का पीस। हमने पूरे पनीर के पीसेस डाल लिए हैं। इसे दोनों तरफ ब्राउन होने तक हमें तलना है। देखिए हमने तल लिया है। पनीर पकौड़े तैयार हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।